कांग्रेस द्वारा पंचायती राज मंत्री का किन्नौर आने पर विरोध करना अशोभनीय है। यह बात करते हुए निचार भाजपा मंडल महामंत्री योगराज नेगी बताया कि एक ओर जहां समूचा जिला किन्नौर निगुसरी हादसे के चलते गमगीन हुआ है, ऐसे में कांग्रेस द्वारा किन्नौर प्रवास पर आए पंचायती राज मंत्री का विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भावानगर में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिकांगपियो के लिए जा रहे मंत्री का नारे बाजी कर विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र निगुसरी हादसे के कारण शोक में डूबा हुआ है और कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे समय में भी राजनीति कर रहे हैं। भावानगर अस्पताल में कई लोग निगुसरी हादसे में मलबे में दबे अपनों के आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क में उतरकर पंचायती राज मंत्री का किन्नौर आने पर विरोध करना निंदनीय है। पिछले दिनों हमारे यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है और बहुत सारे लोगों की जाने गई है, कुछ लोग अभी भी लापता है। पिछले दिनों निगुलसरी के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें हमारे किन्नौर के और किन्नौर से बाहर कई परिजनों ने अपना परिवार का सदस्य खोया है और ये बहुत इस दुख की घड़ी में हम सभी उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपना सदस्य खोया है और भगवान उन की आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। ऐसी हम आने पर जो है काले झंडे और नारे लगाकर जोर जोर से भावानगर बाजार के अंदर एक उनका विरोध करने का एक असफल वो प्रयास करने की प्रयास करते हैं, जिसकी मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। मुझे क्या पूरे किन्नौर की जनता को लगता है कि ऐसे समय में किसी प्रकार की राजनीति किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं करनी चाहिए, पर ऐसी स्थिति में वो राजनीति करने से बाज नहीं आए, जहाँ पूरा निचार भावानगर विशेषकर भावानगर पूरे शोक के माहौल में है। ऐसी स्थिति में भावानगर के अंदर इकट्ठे होकर के जोर जोर से नारे लगाना, किसी कैबिनेट मिनिस्टर का विरोध करना किसी भी तरह से उचित नहीं समझता हूँ। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं इस जो घटिया जो इन्होंने काम किया है इसकी मैं फुल जोर से विरोध करता हूँ और जो अभी जो दुखद घटना है इसके लिए हम सभी दुख के घड़ी में उन परिवारों के साथ है और आशा करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं जिन परिजनों के अभी शव नहीं मिल पाए हैं, जो कि आज चौथा दिन है और रेस्क्यू काफ़ी ज़ोर शोर से चला है, और आशा दुआ करते हैं भगवान के उनके परिजनों के जो शव है उन्हें समय पर मिले और जो उनका जो जो अंतिम संस्कार वगैरह वो समय रहते रहे। इसी बात के साथ अपनी बात को ये विराम करता हूँ। भावानगर से आपका फैसला टीवी के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।